भादो पितृ पूर्णिमा 2023 28 से 29 सितंबर धन प्राप्ति उपाय भूल कर भी ना करें ये एक का। आज हम इस वीडियो में आपको भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृ या श्राद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, पूर्णिमा व्रत की सही तारीख, पूजा पर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पितृ पक्ष के नियम और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा, भादो पूर्णिमा और पितृ पूर्णिमा भी कहते हैं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है। इस दिन स्नान दान पूजा पाठ के अलावा पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करना शुभ होता है। आइए जानते हैं साल 2023 भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की सही तिथि, पूजा शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पितृ पक्ष के नियम और इस विशेष तिथि पर किए जाने वाले उपाय क्या हैं। भाद्रपद पूर्णिमा शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर शुक्रवार को है। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 28 सितंबर सायंकाल 6:49 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 29 सितंबर सायंकाल 3:26 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:13 से प्रातःकाल 10:42। स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:36 से प्रातःकाल 5:25 तक। चंद्रोदय का समय होगा शाम 6:18। भाद्रपद पूर्णिमा पूजा विधि। धार्मिक मान्यता अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण व श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कर उन्हें नैवेद्य व फल फूल अर्पित करें। पूजा में भगवान सत्यनारायण जी को पीले फलों का भोग लगाएं और पूजन के बाद सत्यनारायण व्रत कथा पढ़े या सुने। आज के दिन पंचामृत व चूरमे का प्रसाद वितरित करना शुभ होता है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों के नाम से गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन कराना चाहिए। पितृ पूर्णिमा नियम। भाद्रपद पूर्णिमा के साथ पितृपक्ष शुरू होता है जो 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर में शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। पितृपक्ष और पूर्णिमा के दिन दाढ़ी, मूछ, बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। पितृपक्ष में स्वर्ण आभूषण, नया घर, नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। पूर्णिमा के दिन और पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देना शुभ होता है। भाद्रपद पूर्णिमा उपाय। पूर्णिमा के दिन गाय, कौवे और कुत्तों के लिए ग्रास निकालना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद पितरों को जल अर्पित करना शुभ होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध मिले जल का अर्घ देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पूर्णिमा श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त खीर बनाकर जरूरतमंदों को भोग लगाएं। पितृपक्ष में गोदान, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, नमक और फल का दान करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।